जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आनंद में रखे, हमारी बस यही दुआ है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हजारों वर्ष पुराना रहस्य मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये रहस्य क्या है और ये जो है ये बिल्कुल कारगर तरीका है, और ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी और ये बात आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो रहस्य है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो रहस्य को बहुत गंभीरता से और बहुत बारीकी से समझे और इसको अपने ऊपर अमल भी करें और इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर आप इसे अपने ऊपर अमल और फॉलो करके इन चीज़ों को करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपके जीवन की जितनी तकलीफ, दुख, दरिद्रता और अपशगुन, जीवन में जो जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, उन सबका आपको हल और निवारण की ओर आप जाएंगे। जितना उलझ रहे हैं उतना उलझेंगे नहीं। जीवन में जो भी शांति, सुकून, धन धान्य, दौलत, शोहरत, जो भी चाहिए आपको, वो सभी मिलेगा और ये ईश्वर की इच्छा से ही मिलेगा, मतलब सही तरीके से ही मिलेगा। ये तरीका जो रहस्य मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, वो सही तरीके से मिलेगा, कोई भी गलत तरीका नहीं है। तो हम उस पर बात करें और वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय लिखें, जय शिव शंभु लिखें, भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें जो आपको अच्छा लगे, और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका जो रहस्य है, अच्छा जीवन साथी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जहाँ पर भी चींटियों के लिए आप बहुत यहाँ से छोड़कर वीडियो को मत जाइएगा, यहाँ से बारीकी से चीजों को समझिएगा कि हमारे पुराने ऋषि मुनि थे जो हजारों बरस तक, कई सालों तक एक मंत्र का जाप करते थे, किसी एक भोजन को कई कई बार वो जब भोजन करवाते हैं और उसकी सिद्धि होने पर उन्हें ईश्वर दर्शन देते थे, और दर्शन देने के बाद विश्व के कल्याण के लिए अपनी इच्छा प्रकट करते जो कुछ भी। लेकिन वर्तमान कलयुग है, इसमें हमारी औसत आयु 100 वर्ष मानी गई, लेकिन इस आधुनिक दौर में हम 70 साल या रोज नई नई लोकेशन पे डालें तो इस आयु में अगर आप कोई मंत्र रख लें, किसी एक ही जगह पर, चाहे ओम नमः शिवाय रख लें, चाहे आप श्री गणेश रख लें, किस दिन तक कोई सा भी नाम रख लें, मैं तो कहता हूँ सबसे आसान है राम का नाम रख लो, सीताराम। शुक्रवार का उपास आप हमेशा करें, उसका जब जो है वो कंटिन्यू करें, चित्र लगाने की आदत डालें, कर्म को करते जाएं, अपनी नौकरी पेशा कर्म जो हम दो वक्त के गुजर बसर के लिए चीजें चित्र लगाना शुरू करें, बेशक आप करते जाएं उसके साथ, या तो अपने मोबाइल में खुद को उस तरह का मंत्र जब खुद करके रिकॉर्ड करके बार बार सुने, या खुद मन में उसका उच्चारण चलने दें। दोस्तों, आप जितनी बार करेंगे उतना ज्यादा प्रभावशाली आपके लिए होगा, पर शर्त यह है इस मंत्र को जब जब आप करेंगे तो आपके सामने बहुत से लालच